गढ़चिरौली के जहल माओवादी और जिले में नक्सली आंदोलन के नेता माने जाने वाले गिरधर ने अपनी पत्नी के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। फडणवीस ने कहा कि पुलिस की इस सफलता से गढ़चिरौली में माओवादी आंदोलन टूट गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोड़े को संविधान की एक प्रति उपहार में दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक छोटे से कार्यक्रम में इस नक्सली दंपति को पुनर्वास के लिए 25 लाख रुपए की सहायता दी। पुलिस मुख्यालय के एकलव्य हॉल में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की सभा और माओवादियों के परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय विधायक देवराव होली, विधायक कृष्णा कस्बे, जिला कलेक्टर संजय दाई, नक्सल विरोधी अभियान महानिरीक्षक अंकित गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल मुख्य रूप से उपस्थित थे। नांसु मनकू टुमरेट्टी और गिरिधर पर 25 लाख रुपए का इनाम था, जबकि इसकी पत्नी पर 16 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली जिले के वरिष्ठ नक्सली कमांडिंग इन दोनों नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जिले में नक्सली गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों को माओवादी गतिविधियों के नेता के तौर पर देखा जाता था। इस अवसर पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जिले के एक भी व्यक्ति ने नक्सली गतिविधियों में भाग नहीं लिया है। ये सफलता हमारी पुलिस बल को मिली है। सीसीटीवी टीम ने अपना पक्ष रखा कि या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या बंदूक का सामना करना होगा। यह इस टीम की एक बड़ी उपलब्धि है। गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी तो दूसरी ओर सरकार की विभिन्न योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंची। यह मानव विकास का सर्वोत्तम प्रयास है। नक्सलवादियों ने विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन आज जो विकास पहुंच रहा है मैं कई दूर दराज के इलाकों में देख पा रहा हूँ। गढ़चिरौली हमारे लिए महाराष्ट्र का आखिरी नहीं बल्कि पहला जिला है, इसलिए जिले का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उद्योग, रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए बड़ा प्रयास किया गया है। इस जिले में बड़ा निवेश आ रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मैंने कल भी कुछ परियोजनाओं को लेकर बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की योजना, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति समेत कई आयोजन आदिवासियों को सशक्त बना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि गढ़चिरौली पुलिस के प्रति सम्मान की भावना तभी है जब अनुशासन और संवेदनशीलता एक साथ आते हैं। अतिशय समाधानाची बाब आहे की गढ़चिरौली जिल्ह्यातला सर्वात प्रमुख माओवादी म्हणून ज्याला समजलं जायचं, या सगळ्यात प्रमुख दलमचा जो मुखिया होता त्या गिरधरनं आणि त्यांच्या पत्नीनं आज या ठिकाणी आत्मसमर्पण केलेलं आहे। गिरधर यांच्यावर 25 लाखाचं तर पत्नीवर 16 लाखाचं बक्षीस होतं आणि आज त्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे माओवादी चळवळीची कंबर ही पूर्णपणे या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोडलेली आहे। मी गडचिरोलीतल्या आमच्या पोलीस दलाचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी सातत्याने आपलं शौर्य दाखवत या ठिकाणी एकीकडे माओवाद्यांना ही परिस्थितीची जाणीव करून दिली की एकतर आत्मसमर्पण करा किंवा तुम्हाला त्या ठिकाणी परिणामाला सामोरं जावं लागेल, आणि त्यातनं हे प्रमुख आत्मसमर्पण या ठिकाणी झालेलं आहे। आमच्या C60 आमच्या पोलीस दलाने, आमचे SP असतील किंवा आमचे सगळे अधिकारी असतील, यांनी सातत्याने या ठिकाणी केवळ माओवादाचा सामना केला असं नाही तर त्यासोबत एक सोशल आउटरीच देखील केलेला आहे। समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न देखील केलाय। त्याचाही एक फायदा असा झाला की सामान्य माणसाच्या मनामध्ये पोलिसांच्या बद्दल आणि प्रशासनाच्या बद्दल एक मोठी संवेदना जागृत झाली आहे, एक चांगले संबंध तयार झालाय, आणि त्यामुळे देखील आज माओवाद्यांना सामान्य गावकरी थारा देत नाहीत, ते पोलिसांना अधिक जवळचं मानतात, हा एक महत्त्वाचा फरक आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले। कमिंस ब्रांच कुठलीही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।